आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं विभेदक ब्याज दर योजना के बारे में। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसका इंग्लिश में नाम क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है। तो विभेदक ब्याज दर योजना को DRI लोन के नाम से भी जाना जाता है। DRI मतलब कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्च 1972 में भारत सरकार ने डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लागू किया और बाद में इसे फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी लागू कर दिया गया था। इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो वैसे व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और जिनकी पारिवारिक सालाना आय 18,000 रुपये से कम है, मतलब कि एक परिवार की सालाना आय 18,000 रुपये से कम है, तो वे इसका लाभ ले सकते हैं। अगर परिवार शहरी या अर्ध शहरी इलाके से ताल्लुक़ रखता है तो इस स्थिति में पारिवारिक सालाना आय 24,000 रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति के पास 1 एकड़ से अधिक की सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए और अगर गैर सिंचित भूमि है तो 2.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह नियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं लागू होता है। जो व्यक्ति डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम में लाभ ले रहा है उसे किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला हो तभी वह इसमें लाभ लेने के लिए उपयुक्त माना जाएगा। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम है, मतलब जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है, जो कि कोई ना कोई व्यवसाय करता रहना होना चाहिए। जो उद्यमी छात्र है, जो इंटेलिजेंट छात्र है, अगर उन्हें पैसे की कमी के कारण से पढ़ाई में बाधा आ रही है तो वो इस योजना का लाभ लेकर के अपने पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। इसके अलावा ऐसी संस्था जो अनाथालय या फिर महिला निवास या फिर महिलाएं जहां रहती हैं और वे रोजगार परक कार्य करती हैं तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। जहां तक ऋण की बात है तो व्यक्ति अपना व्यवसाय चालू करने के लिए 15,000 रुपये तक का ऋण ले सकता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें 15,000 के अलावा 5,000 रुपया अतिरिक्त ऋण के रूप में दिया जाता है ताकि वो अपने जो सामान है, जैसे कि चलने फिरने का सामान या फिर सुनने का सामान या मशीन, वो खरीद सकें। घर बनाने के लिए 20,000 रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध होती है। अगर लक्ष्य की बात करें तो बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है कि जितने भी ऋण DRI स्कीम में उन्होंने सैंक्शन किए हैं उसका 40% कम से कम SC ST को दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र की शाखा के द्वारा कम से कम 2/3 ऋण वितरित किया जाए। एक बैंक के लिए संपूर्ण रूप से जितना भी बैंक ने ऋण दिया है उसका 1% DRI स्कीम में लोन देना अनिवार्य है और ग्रामीण शाखा के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि 10 कामगार को 1 तिमाही के अंदर में ऋण दे, मतलब 1 साल के अंदर में 40 ऋण कामगारों को देने हैं। अर्ध शहरी क्षेत्र के जो शाखा हैं उसमें यह लक्ष्य 5 कामगार के लिए 5 कारीगर के लिए रखा गया है। दुख की बात यह हो जाती है कि जो बैंक शाखाएं होती है वे सही लाभार्थी को नहीं चयन कर पाती है या सही लाभार्थी उनके पहुंच में नहीं आ पाते हैं और जिसके कारण से अधिकतर उनका जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। मार्जिन और सब्सिडी इस योजना में नहीं है। इस योजना में 4% साधारण ब्याज चार्ज किया जाता है और ऋण लेने के लिए आपको किसी प्रकार की बंधक रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको कोई भी बंधक या सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जिस कार्य के लिए बैंक ने ऋण दिया है अगर कोई असेट क्रिएट किया है, कोई संपत्ति उत्पन्न हो रही है, तो उस स्थिति में उस संपत्ति को बैंक बंधक रखता है।
इस ऋण की अवधि 5 वर्ष की होती है और 5 वर्ष के अंदर में आपको ऋण चुका देना होता है। बीमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऋण अगर पशुधन के खरीद के लिए दिया गया है तो पशुधन का बीमा आपको कराना पड़ेगा, अन्यथा बीमा की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ बीमा कराने की ज़रूरत महसूस होती है, बैंक को लगता है कि बीमा कराने की ज़रूरत है, तो बीमा की जो राशि होती है वह भी बैंक के द्वारा वहन किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको विभेदक ब्याज दर योजना, मतलब कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगली वीडियो किस पे चाहते हैं इसको भी हमें बता सकते हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास में जो घंटी का सिंबल दिया गया है उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।